लगातार घटना विकराल, एक तरफ शराब, शराब में मुझे आश्चर्य लगता है, मैं तो नाम दे रहा हूँ, आप इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे, अरेस्ट नाम मैं देने जा रहा हूँ, मैं एक एक लोगों का नाम दूंगा जो जो शराब माफिया है और इन नेताओं के गाड़ी में शराब माफिया चलते हैं। मैंने उस दिन कहा नौतन में कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में विजय गुप्ता थे, क्यों विजय गुप्ता शराब माफिया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गाड़ी में चलेगा, क्यों वो नौतन गए। एक तरफ आप कहते हैं कि शराब बेचवाता है, कल यही बात आज उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 80% दरोगा शराब बेचवाते हैं और उनको कोई दिलचस्पी नहीं है इसमें। तो फिर आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, जदयू भी बोल रहे हैं, और ये पॉलिसी लाई गई लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार जब थी तब, और विपक्ष इन चीजों से सड़क पर उतरेंगे नहीं। आपको कुशेश्वर स्थान जाने का, दरभंगा आने का रास्ता मिला, और मुजफ्फरपुर में 14 लोग मर गए थे, आप वहां नहीं गए। वोट लेने के बाद ही शराब के पैसे से हेलीकॉप्टर आप चलाएंगे। चार माफिया इस प्रदेश को कंट्रोल कर रहा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को, शराब माफिया, बालू माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया, और ये चारों माफिया नेताओं के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमने तो कहा कि शराब माफिया को पूरा लिस्ट है मेरे पास, या तो आप इंक्वायरी करिए, जांच करिए, अन्यथा नया पॉलिसी लाइए, विधानसभा आप बुलाइए जल्दी, जो शराब और स्मैक पीता है उसको नीचे स्तर से लेके ऊपर तक आप टिकट देने से वंचित कर दें। जब तीन बच्चे चार बच्चे वाले को टिकट नहीं देंगे, अजलनल योजना में बर्खास्त करेंगे मुखिया को, अन्य लोगों को भ्रष्टाचार में आप आरोप लगाएंगे, इतना बड़ा माफिया को और शराब पीने वाले को टिकट कैसे देंगे। अब करिए, बनाइए पॉलिसी। क्या विपक्ष जैसा, मैंने तो मान लिया बीजेपी में सारे के सारे कमजोर, दुष्ट, धूर्त, रूढ़ी कुछ बोलेगा, सुशील मोदी कुछ बोलेंगे, जसवाल जी कुछ बोलेंगे, कभी कहेंगे थानेदार हमारी बात नहीं सुनता, कभी कहेंगे थानेदार अपराधी चलाता है। आप हैं क्यों, इतने कायर और कमजोर आदमी हैं क्यों, आप विधवा विलाप क्यों करते हैं, कब तक रोना रोइएगा, अब रिजाइन कीजिए या नहीं तो समर्थन वापस लीजिए। समर्थन कौन वापस लेगा, मैं बीजेपी वापस ले या रिजाइन करिए, यदि दरोगा चला रहा है आपकी सुन नहीं रहा है। अरे भाई, आपको तो सारा विभाग जदयू से ज्यादा विभाग है, और सबसे ज्यादा दारू बेचने वाले बीजेपी के लोग हैं। मैं लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम मेरा, मैं एक महीने के अंदर बिहार के सारे लिस्ट को ओपन कर दूंगा, और उसके बाद जो जो नेता है उसको मैं ओपन करूंगा, आप इंक्वायरी कराइए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक कौमी, तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।